अभी देखो प्राइम सीरीज में और एक बोर्ड है। हालांकि प्राइम सीरीज का बोर्ड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है आसूस का। क्यों नहीं, इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बोर्ड में? बहुत आ रहा है कुछ दिन से। आज भी दो प्राइम सीरीज का बोर्ड रेडी हुआ, ऑलरेडी वीडियो नहीं दिया मैंने, सिंपल प्रॉब्लम था इसलिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले का। अभी एज ए कस्टमर जो यूज़र है उसको यही लगेगा कि नो डिस्प्ले है। उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है जो टेक्निकल फील्ड में हो। अभी देखो उसमें आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आपके पास बोर्ड में बजर होना चाहिए, काम करने के लिए एक बजर जो है वो होना चाहिए जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। अभी कस्टमर बोर्ड देखेगा, मतलब बोर्ड चलाएगा जब, तब उनको लगेगा कि नो डिस्प्ले है। ये ऑन कर दिया, ये हटा देता हूँ, तो बजर हटा दिया। ये बोर्ड बहुत साइज में बड़ा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो अभी देखो कस्टमर को लगेगा, कस्टमर के पास तो ना तो डिबग कार्ड होता है, ना तो पोस्ट कार्ड होता है, ना तो बजर होता है। वो बस चलाता है, चलता नहीं है, बस यही रिक्वायर होता है, नो डिस्प्ले। बोर्ड चल रहा है, नो डिस्प्ले। अभी क्या है, हमारे पास जब आए तो नो डिस्प्ले, इसमें क्या है, कार्ड में कोड जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड होल्ड ऑन। तो इसमें लेटेस्ट वाला कार्ड एक बार डाल के देख लेते हैं, इसमें कुछ कोड वगैरह है कि नहीं। तो इसमें भी नो कोड, कोई भी कोड नहीं है, इसमें भी कोई भी कोड नहीं है। अभी पीसीआई स्लॉट पे तो नहीं है, पीसीआई मिनी पीसीआई पे भी नहीं आना चाहिए। और फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे, इससे बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि आज उसका बोर्ड में कोड जनरेट नहीं होता है। तो देखो मिनी पीसीआई पे भी कुछ ऐसा ही है। अभी इसका भी रीसेट फीसेट सारा कुछ बन रहा है। और अगर हम इसको लगा दें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। इसको लगा दिया, अभी पावर देने के बाद ये कुछ 2 बार या फिर 3 बार, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, ये मल्टीमीटर का साउंड है। ये बीप जनरेट होता है, और ये जो बीप जनरेट होता है ये रैम का बीप जनरेट होता है। उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता है बोर्ड, और डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आता है। तो रैम का इरोर है, बेसिकली इस बोर्ड में रैम का इरोर है। अभी फिर से चलाते हैं और फिर से हम टिगर देते हैं, तो सेम कंडीशन पे है, रैम का इरर, और इस बोर्ड में कंटिन्यूअसली रैम का बीप नहीं जनरेट होगा। कुछ अलग मॉडल, अदर बोर्ड में, अदर कंपनी का बोर्ड में कंटिन्यूअसली बीप करता है, कुछ कुछ बोर्ड में 2-3 बार बीप करने के बाद रीस्टार्ट होता है। बार बार रैम ना मिले तो 2-3 बार बीप करने के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, फिर से बीप होगा, फिर से रीस्टार्ट होगा, ऐसा होता है। मतलब एक एक बोर्ड में बायस के हिसाब से ये जनरेट किया हुआ है। तो इस बोर्ड में बायस के हिसाब से ऐसा जनरेटेड है कि 2-3 बार बीप करेगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली चलेगा, ना तो कोड जनरेट होगा पोस्ट कार्ड पे। अगर आपके पास कोई अदर पोर्ट होता इस बोर्ड में, मतलब टीपीएम पोर्ट, यहाँ पर देखो टीपीएम पोर्ट यहाँ पर है, पर टीपीएम पोर्ट का सॉकेट है, बस पोर्ट नहीं है। ये देखो टीपीएम पोर्ट लिखा हुआ है पर सॉकेट लगाया नहीं, पोर्ट ओपन रख दिया है। अभी रैम का ही इरर है, अभी रैम का इरर है तो क्या करें। इस केस में कभी कभार हमने देखा है कि रैम का 2-3 बीप जनरेट होता है, उसके बाद रैम सेक्शन हम टोटल काम कर लेते हैं, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उस केस में देखा जाता है कि सीपीयू का ही प्रॉब्लम होता है। तो सीपीयू का अगर इशू हुआ तो भी रैम का बीप जनरेट होता है कभी कभार, और रैम लगाने के बाद 1-2 बार बीप जनरेट होके ऐसे रहता है बोर्ड। तो इस बोर्ड में बेसिकली क्या है, एक चीज़ दिखा देता हूँ, देख लो काम आ जाएगा। कभी भी रैम का इरर आता है बोर्ड ऑन करने के साथ, ये प्राइम सीरीज़ में होगा तो काम चल जाएगा आपका। प्राइम सीरीज़ में अगर आप बोर्ड में पावर देते हो आसूस का प्राइम सीरीज़, और टिगर देने के बाद 1, 2, 3, 3 टाइम बीप्स रैम का आने के बाद अगर बोर्ड ऐसे ही चलता रहे, सीपीयू वगैरह हीट हो, तो कई बार भी कुछ करने से पहले मैं एक जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक एसपीडी वीडीडी वोल्टेज का जो सेक्शन है वो मिसिंग है, जिसके वजह से ये बीप जनरेट होता है और हो रहा है इस बोर्ड में, और
सारा बोर्ड में ही होता है प्राइम सीरीज में, आसूस में, अदर बोर्ड में कुछ अदर डायग्राम है। तो देखो केस स्टडी छोटा सा है, पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अगर शॉर्टकट में कुछ सीखना चाहते हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैं बस कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखता है वो प्रॉपरली सीखे, और प्रॉपरली सीखने के लिए ये वीडियो एक्चुअल में बनाता तो शॉर्ट में हो जाता, एक मिनट का शॉर्ट में भी ये रिपेयर में कर देता, हो जाता, कैसे किया दिखा देता। पर उससे क्या, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये नॉलेज आपको नहीं मिलता। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आते हैं, बहुत टाइम ले लिया वीडियो में, पर अरे यार आप अगर शॉर्टकट चाहते हो तो आप दूसरी जगह पे जाओ और शॉर्टकट में आप काम सीखोगे तो ज़्यादा दिन दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है, नहीं भी रहेगा आपका। लॉन्ग टाइम देखोगे समझोगे तो ही सीखोगे, शॉर्टकट में बहुत कुछ होता है ऐसा। तो शॉर्टकट में हमने तो नहीं सीखा है तो हम सीखा भी नहीं पाएंगे। तो हमारा अभी 2-3 घंटा का एक केस स्टडी बनता था, ठीक है, उसके बाद जाके सीखना होता था। तो आपको अगर लगता है एक मिनट का केस स्टडी में, 10 मिनट का केस स्टडी में एक मिनट में बना दूं, वो भी हो सकता है, पर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो नहीं सीख पाओगे। तो देखो मल्टीमीटर को थोड़ा सा फॉलो कर लो, एक को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक SPDVDD का 3.3 वोल्ट का, ये देखो 3.3 वोल्ट का एक फ्यूज़ मिलता है, ठीक है। ये फ्यूज़ अक्सर इस प्राइम सीरीज में कट जाता है, ख़राब होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये रैम का ही रो आता है। और यही बोर्ड अगर है प्राइम सीरीज में तो ये फ्यूज़ आपको कुछ कुछ मॉडल के हिसाब से, ये फ्यूज़ आपको इस बोर्ड में तो यहाँ पर है, पर उस कुछ कुछ मॉडल के हिसाब से अदल बदल हो जाता है, आगे रहता है, पीछे रहता है, सामने रहता है। पर आपको ये पी लिखा हुआ एक ढूंढना है, और इस बोर्ड में तो कुछ साइन नहीं है कि मैं बता दूं कहाँ पर। तो आप देख लो ATX कनेक्टर के सामने जो रैम, आखिरी रैम स्लॉट जो है, मतलब फास्ट रैम स्लॉट के एकदम फास्ट में। तो ये देखो ये 3.3 वोल्ट है जो कि इसका रैम के बायस में जाता है। तो ये 3.3 वोल्ट इस बोर्ड में मिसिंग है, इधर देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये देखो है, वोल्टेज नहीं है नहीं कहूँगा, 0.63 है, 58 ये फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है। अभी देखो ये देखो 3.3 और ये है इनपुट, ठीक है 3.3, और ये है आउटपुट, आउटपुट क्या है 0.70, मतलब फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है, पर यहाँ पर इनपुट जितना है आउटपुट में भी उतना होना चाहिए। आप चाहो तो इस कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो फ्यूज़ को अदर बोर्ड से, या फिर आप बाईपास कर सकते हो। तो मैं तो बाईपास कर देता हूँ, ये फ्यूज़ अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है नहीं है। तो इसको अगर हम बाईपास कर दें तो ये बोर्ड हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा ही केस स्टडी है, अभी इसे एक मिनट में मैं दिखा सकता था एक शॉर्ट बना के। तो इससे मैं जितना अभी बोला क्यों होता है कहाँ होता है, बहुत कुछ बोलना होता है, ये भी आपको जानना होता है जो काम कर रहे हो। और जो बहुत जानते हो वो तो भाई क्यों वीडियो के पीछे पड़े रहते हो मुझे पता नहीं। बहुत जिनको नॉलेज है वो काम करो, जाओ प्रोफेशनल कहीं पे जाके काम वाम करो, या फिर चैनल बना के वीडियो बना के लोगों को थोड़ा सा नॉलेज शेयर करो, ठीक है, उससे काम बनेगा। शॉर्टकट में फिर हेरा फेरी देखा है ना, शॉर्टकट में 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे चक्कर में जाओगे तो लक्ष्मी चिट फंड वाला लूट के ले जाएगा, और धीरे धीरे पैसा डबल होगा तो वो पैसा रहेगा। तो जो फिरेरा पेरी के माफिक चलते हो तो वो भाई काट कूट के देख लो। ये है हमारा फ्यूज़, तो इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इसको हम एक मोटा वाला वायर लेंगे, मोटा मीन्स 2-3 वायर ऐसे जोड़ लेते हैं, 2-3 वायर जोड़ लिया, हो गया काम। अभी सोल्डरिंग स्टेशन से इसको फिक्स करते, फिक्स कर दिया।
अब क्या है इसको यहाँ पर जम्पर कर देना है। आपके पास ऑप्शन है, आप इस फ्यूज़ को चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो आपके पास अगर है तो। ये होना चाहिए हर बोर्ड में, ये मिल जाता है डेस्कटॉप बोर्ड में, ठीक है। आप इसको बाईपास भी कर सकते हो एज यू विश। और इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर एक बार जम्पर लगाना। ओ सॉरी, दिख रहा है मीडियो कैमरा में? हाँ दिख रहा है, मैं क्लियर दिखा देता हूँ लास्ट में। ठीक है, मैं इसे क्लीन करके फिर दिखाता हूँ पास से और दूर से भी दिखाता हूँ कैसे कहाँ पर रहेगा, कैसे दिखता है। और इसको मुझे हो गया, इस जगह को क्लीन करना है। क्लीन कर दिया। हो गया, अभी पास से देख लो थोड़ा सा, ये देखो क्लियर है, पी लिखा हुआ है, रैम स्लॉट के बाजू में है। ठीक है, इसका नंबर शायद ये वाला होगा, नहीं नहीं ये ट्रांजिस्टर का नंबर है। तो अभी दूर से देखते हैं बोर्ड में कहाँ पर था, ये देखो बोर्ड में कहाँ पर था, लास्ट फर्स्ट रैम स्लॉट के बाजू में, बगल में ATX के पास। अभी देखो इसमें, एक सेकेंड, बहुत वायर जम गया है यहाँ पर कैमरा, हो गया। अभी इसको चलाते हैं कार्ड के साथ, ये देखो पावर दिया, अभी ये पै पै करना बंद कर देगा, हुआ नहीं, हुआ हुआ नहीं, एक सेकेंड, नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया, बीप होना चाहिए डिस्प्ले का, ये बीप कर दिया, ये वाला बीप कंप्लीट डिस्प्ले के बाद आता है। तो एक सेकेंड, मॉनिटर पे मुझे डिस्प्ले नहीं मिला अभी भी, कहाँ पर क्या है, रिस्टार्ट करते हैं एक बार। डिस्प्ले तो आउट हो गया पर डिस्प्ले मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है मॉनिटर पे क्या हुआ है क्या, एक सेकेंड, जी पोर्ट का कुछ इशू हो गया है। अच्छा नहीं आया, फिर से एक बार रिस्टार्ट करूंगा। देखो अभी जो पै पै कर रहा था वो बंद हो गया, ठीक है, तो डिस्प्ले आउट नहीं हुआ, मे बी इस प्रोसेसर में ग्राफिक्स नहीं है, तो दूसरा एक प्रोसेसर लगा के देखते हैं, ये वाला डालते हैं, इससे क्या होता है देख लेते हैं, चलता है कि नहीं।
ये सपोर्ट किया कि नहीं। सपोर्ट नहीं किया, मे भी नहीं किया, पर डिस्प्ले का क्या हुआ इसका? डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है। हाँ हुआ, हाँ हो गया, हो गया, हो गया। नहीं नहीं हुआ, डिस्प्ले आके चला क्यों जा रहा है? हाँ आ गया, हाँ हो गया, ये देखो आ गया। तो ये प्राइम B350 प्लस 6203 इसका बाज भाषण है। तो ये बोर्ड चल रहा है, रेडी हो गया। तो कुछ इशू था, फ्यूज़ कटा हुआ था इसलिए बहुत दिन से। तो फाइनली ये बोर्ड रेडी हो गया। अभी टोटली एक बार ऑफ करते हैं। ये जो सीपीयू था इसमें ग्राफिक्स नहीं था इसलिए वॉइस आउट नहीं होता डिस्प्ले। तो फाइनली ये बोर्ड रेडी हो गया। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था, जो कि रैम केस में जो भी बहुत सारे लोग फंस जाते हो क्या करना होता है। तो काम अगर कर रहे हो तो साथ में एक बज्जा रखा करो, ठीक है? इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको पता चलता है एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से है बोर्ड में। फिर से चलाया, अभी भी बीप नहीं किया, बीप करेगा। ये बीप किया और डिस्प्ले आया नहीं, मिला नहीं अभी मुझे, अभी मिल जाएगा। लाइट आया है मॉनिटर पे, हाँ आ गया, ये देखो आ गया। तो वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।